देखिए फ्रेंड्स इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पे चालीस फंदे डाले हैं सिर्फ चालीस फंदा और नौ नंबर की हमने यहाँ पे सलाई यूज़ की है ओल हमारा मोटा है इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ चालीस फंदे डाले हैं तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे वीडियोस पे कि बहुत लोगों का पैर काफ़ी छोटा होता है मतलब पाँच नंबर के तो स्लीपर आ जाते हैं लेकिन सॉक्स जो हम लोग पाँच नंबर का बताते हैं वो लूज आता है तो इसके लिए मैंने ये आज आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो लाई हूँ कि जिसके पैर पतले होते हैं पंजे मतलब पतले होते हैं तो उनके लिए है ये और वैसे भी पाँच नंबर को ये आ जाएगा दोनों साइज का चार को भी आ जाएगा पाँच को भी आ जाएगा क्योंकि ऊल हमारा मोटा है और हमने नौ नंबर की सलाई यूज की है और ये काफ़ी स्ट्रेसबर है देखिए यहाँ पे हमने चालीस फंदे लेके छः देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः लाइन की यहाँ पे हमने ये दोनों साइड से देखिए उल्टा सी उल्टा उल्टा बना के यहाँ पे कंप्लीट किया यानी आपने छः दूनी बारह बारह सिलाई बना के ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है देखिए सिर्फ उल्टे उल्टे की उसके बाद अब चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल चालीस फंदा है तो देखिए हम यहाँ पर ग्रीन के साथ वाइट कलर लगा रहे हैं आप दो कलर कोई सा भी ले सकती हैं तो देखिए है हम यहाँ पे अब वाइट कलर हम देखिए चालीस फंदा है तो पंद्रह फंदे एक साइड रखेंगे पंद्रह एक साइड और दस फंदों में हमने ये डिज़ाइन हमने बनाना है तो चलिए पहले हम पंद्रह फंदे बुनते हैं सीधा सीधा देखिए हमने यहाँ पे दूसरा कलर लगा लिया अब देखिए हम यहाँ पे पंद्रह फंदे बुनेंगे दो आप चाहें तो पीछे से गांठ लगा लें तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह फंदे हमने यहाँ पे बुन लिया फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे एक फंदा हमने ऐसे स्लिप करना है ठीक एक फंदा हमने उतारा फिर एक फंदे का हमने पांच फंदे बनाना है एक फंदे में तो देखिए एक इसी फंदे में फिर उनको अपनी साइड लाएंगे दो ये देखिए फिर उनको पीछे ले गए तीन फिर उनको अपनी साइड लाएं चार फिर उनको पीछे ले गए पांच ये देखिए तो एक फंदे का हमने यहाँ पे पांच फंदा कर दिया फ्रेंड्स देखिए अब जस्ट इसके बगल हमने फंदे ये उतार लिया ठीक है हमने यहाँ पे देखिए फंदे उतार लिया अब हमने क्या करना है देखिए अब हमने देखिए यहाँ पे चार फंदे सफ़ेद से बनाएंगे एक दो तीन चार देखिए ध्यान से देखिएगा बहुत इजी डिज़ाइन है ये चार फंदे व्हाइट का बनाया फिर एक फंदे स्लिप किया फिर एक फंदे पे हमने देखिए यहाँ पे पांच फंदे बनाना है एक ही फंदे में एक दो ऊन को पीछे ले गए सीधा बनाया इसी में फिर उनको आगे लाएं उल्टा बनाया तो यहाँ पे चार फंदे हो गए एक फिर बनाएंगे हम लास्ट पाँच फिर एक फंदे हमने स्लिप किया साइड के हमारे सिर्फ यहाँ पे पंद्रह फंदे बचे हैं तो इन पंद्रह फंदे को हम बना लेंगे सीधा सीधा बहुत ही सिंपल डिजाइन है फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी बनता है चलिए इतना हम कंप्लीट करते हैं देखिए फ्रेंड्स हम पीछे की साइड आ गए हैं तो पीछे की साइड से आपने सभी फंदे को यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाना है वाइट कलर से तो देखिए साइड साइड के हमारे जो पंद्रह फंदे हैं वो आगे की साइड से हमने सीधा सीधा बनाया और पीछे की साइड से उल्टा उल्टा देखिए यहाँ पे पंद्रह फंदे हमने उल्टा उल्टा बनाया और ये जो ग्रीन वाला था इसको हमने क्या करना है स्लिप कर लेना है ऐसे हमने इसको बुनना नहीं सिर्फ ऐसे ही उतार लिया हमने फिर उनको आगे की साइड ले जाएंगे और यहाँ पे जो पांच फंदे एक फंदे का पांच फंदा बनाया था इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार और एक पांच पांच फंदे को हमने सीधा बना दिया ऊन को अपनी साइड लाएंगे इस फंदे को हमने ऐसे ग्रीन वाले उतार लिए फिर यहाँ पे देखिए चार फंदे को हम एक दो तीन चार ये देखिए यहाँ पे हमने ये चार फंदे को ऐसे उल्टा उल्टा बना लिया ठीक अब ये हम ग्रीन वाला फिर से ऐसे उतार लेंगे और उनको पीछे ले जाएंगे ये पांच फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच, फिर उनको अपनी साइड और एक फंदे इसको हमने उतार लिया अब बाकी के फंदे जो पंद्रह फंदे हैं हमारे इसको हम सिर्फ उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करते हैं अब देखिए फ्रेंड्स हम आगे की साइड आ गए हैं तो आगे की साइड से हमने सभी फंदे को ग्रीन कलर से बनाना है मतलब हरे कलर से व्हाइट वाला हमने नहीं बनाना है सिर्फ ग्रीन कलर से और सभी फंदे को हम देखिए सीधा सीधा बनाएंगे यहाँ पे कोई भी फंदे पे हमने डिजाइन नहीं बनाना है सिर्फ जितने हमारे फंदे हैं सबको हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए सभी फंदे को हम यहाँ पे बना रहे हैं आगे की साइड से सभी फंदे को सीधा सीधा और पीछे की साइड से भी सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाकर फिर हम आगे की साइड आते हैं देखिए ये आगे की साइड से भी हम सभी फंदे को सीधा सीधा बना लेंगे और पीछे की साइड से भी अब देखिए हम पीछे की साइड आ गए हैं तो पीछे की साइड से हम सभी फंदे को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे देखिए आगे की साइड से भी सीधा सीधा और पीछे की साइड से भी सभी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे तो चलिए ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए फ्रेंड्स हम ये आगे की साइड आ गए हैं तो आगे की साइड से अब देखिए हमने क्या करना है यहाँ पे अब हम व्हाइट कलर लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः अभी तक हमने यहाँ पे दस फंदे अरे सॉरी पंद्रह फंदे बनाए थे अब देखते हैं दो फंदे हमारे बढ़ जाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ दो सोलह एक सत्रह तो पहले हमने यहाँ पे देखिए पंद्रह फंदे बनाए थे फिर डिज़ाइन डाला था अब यहाँ पे हमारे सत्रह फंदे यानी दो फंदे बढ़ गए हैं ठीक है यही आपने याद करना है सत्रह फंदे बनाने के बाद एक फंदे हमने ऐसे स्लिप करना है फिर ये देखिए सेंटर वाले फंदे में जो हमारे बीच का फंदा है इसी पे हमारा ये फ्लावर बनेगा तो एक एक फंदे का हमने पांच फंदा करना है दो उनको पीछे ले गए सीधा बनाया तीन ऊन को आगे लाए उल्टा बनाए फिर उनको पीछे ले गए सीधा बनाए पांच फिर इसको हमने ऐसे स्लिप कर लिया देखिए अब स्लिप करने के बाद हमने यहाँ पे वाइट कलर से देखिए पहले हमारे यहाँ पे चार फंदे थे अब देखते हैं अब देखिए यहाँ पे चार से हमारे इधर भी बढ़ जाएंगे एक दो तीन चार चार दो आठ तो अब हमारे पहले हमने यहाँ पे चार फंदे डाले थे अब चार फंदे हमारे बढ़ गए हैं ठीक है अब यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने ऐसे स्लिप कर लिया सेंटर वाले फंदे में हमने एक फंदे का पांच फंदा करना है एक दो तीन चार पाँच फिर उनको देखिए एक फंदा हमने स्लिप कर लिया बाकी के फंदे को हम इधर हमारे सत्रह फंदे हो गए हैं इधर भी सत्रह हो गए दो दो फंदे बढ़ गए बीच में हमारे चार फंदे बढ़ गए दो इसके दो इसके तो चलिए ये हम बना लेते हैं फिर पीछे की साइड से जैसे मैंने बताया था सभी फंदे को उल्टा बनाएंगे सिर्फ इसको ये जो फ्लावर यहाँ पे बने इनको इनको सीधा बनाना है और ये ग्रीन वाले फंदे को हमने उतार लेना है अब देखिए हम इतना सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाया अब इस फंदे को हमने ऐसे उतार लिया ग्रीन वाले फिर उनको पीछे ले जाएंगे इन पांच फंदों को हम सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच उनको अपनी साइड इस फंदे को उतारा सेंटर के फंदे जो हमारे आठ फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे फिर देखिए इस फंदे को हमने ऐसे उतार लिया फिर उनको पीछे ले जाएंगे इन पांच फंदे को हमने सीधा सीधा बनाना है फिर उनको अपनी साइड इस फंदे को हमने ऐसे उतार लिया अब बाकी के फंदे को हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना लेते हैं उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दो डिजाइन बनाने के बाद फिर से हमने देखिए ये ऊपर ग्रीन कलर से उल्टा अरे सॉरी सीधे के साइड से सीधा सीधा और उल्टे की साइड से भी सीधा सीधा बनाकर हमने ये जैसे अभी यहाँ पे बनाया था कंप्लीट किया यहाँ पे हमने कोई भी फंदे घटाने बढ़ाने नहीं थे अब देखिए फिर से हम आ गए वाइट कलर का लगाएंगे तो वाइट कलर से अब हमने यहाँ पे देखिए फिर से डिजाइन बनाना है तो दो दो फंदे हमारे देखिए अब बढ़ते हुए ही जाएंगे अभी तक तो सत्रह थे अब हमारे यहाँ पे उन्नीस फंदे बनने के बाद फिर से हम एक फंदे स्लिप करेंगे और डिजाइन दूसरे फंदे पे डालेंगे तो देखिए तो बहुत इजी है बस आपने यही ध्यान देना है कि हमारे फंदे यहाँ से दो दो बढ़ते हुए चले जाएंगे अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ दूनी अठारह एक उन्नीस उन्नीस फंदे हो गए स्टार्टिंग हमने पंद्रह से किया फिर सत्रह हुआ फिर उन्नीस यानी दो दो फंदे अब देखिए उन्नीस फंदे होने के बाद हमने यहाँ पे देखिए एक फंदे ऐसे स्लिप करेंगे फिर ये हमने देखिए सेंटर वाले फंदे पे एक फंदे का पांच फंदा करेंगे एक इसी फंदे में हमने पांच फंदे बनाने हैं उनको आगे पीछे करके बस उल्टा उल्ट उल्टा सीधा बनाकर पांच फंदे हमने करना है एक ही फंदे में देखिए फिर यहाँ पे हमने एक फंदा स्लिप किया स्लिप करने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है एक फंदा स्लिप करने के बाद सेंटर में जितने भी फंदे हमारे हैं सबको हम यहाँ पे सीधा सीधा वाइट कलर से बनाएंगे इधर तो हमारे फंदे बढ़ते ही जाएंगे दोनों साइड से इधर से भी दो फंदे इधर से भी यानी चार चार फंदे हमारे सेंटर में बढ़ रहे हैं चार थे स्टार्टिंग में फिर आठ हुआ बारह हो गया होगा देखिए बस आप यही काउंट करते हुए जाएंगे तो खुद ही देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः दूनी बारह फिर हमने यहाँ पे एक स्लिप किया एक स्लिप करने के बाद देखिए सेंटर वाले फंदे में हमने जो फ्लावर के इसमें हमने पांच फंदे करने हैं एक ही फंदे में हमने एक फंदा उल्टा फिर ऊन को अपनी साइड लाएंगे देखिए ऐसे ऐसे ही एक फंदे में हमने पांच फंदे किए फिर हमने क्या करना है एक फंदे ऐसे उतार लिया बस ये देखिए अब हम सभी फंदे को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे पीछे की साइड से जैसे आपको बताया है कि उल्टा उल्टा बनाना है और ये ग्रीन वाले फंदे को उतारना है और इसको जो फ्लावर वाले डिज़ाइन है यानी एक फंदे का पांच फंदा हुआ है इसको हमने सीधा सीधा बनाना है तो चलिए ये रो हमने कंप्लीट कर लेनी है ऐसे देखिए फ्रेंड्स हम आगे की साइड आ गए हैं अब ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे तीन डिजाइन बनाई है ऐसे हमने पांच डिजाइन बनानी है सेम यही रिपीट करते हुए जैसे हमने इसमें बताया है ऐसे ही दो दो फंदे इधर से बढ़ते हुए जाएंगे ठीक है इधर बढ़ गए जाएंगे और इसके भी इधर सेंटर में हमारे चार चार फंदे बढ़ रहे हैं तो ऐसे ही ये हमने यहाँ पे जो तीन डिजाइन है ऐसे ही पाँच डिज़ाइन क्योंकि ये हम पाँच नंबर के लिए बना रहे हैं अगर आप छः नंबर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे पैंतालीस फंदे डाल के और इस डिज़ाइन को आपने छः डिज़ाइन बनाना है ठीक है तो चलिए ऐसे हम पाँच डिजाइन कंप्लीट करके फिर आप लोग को दिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पाँच डिजाइन बनाकर ये कंप्लीट किया है अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि पांच डिजाइन बनाने के बाद आपने यहाँ पे कितना लाइन बनाया है ठीक है देखिए हमने यहाँ पे फाइव डिज़ाइन बनाने के बाद फ्रंट छह सलाई के हमने देखिए ये तीन कलर बनाए एक दो तीन ठीक है ये छह सलाई के हमने देखिए यहाँ पे व्हाइट फिर ग्रीन फिर वाइट छह सलाई हमने ये पूरा बना लिया था उसके बाद छई बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है फ्रेंड्स तो जितने भी हमारे फंदे थे दोनों साइड से हमने इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लिया देखिएगा आप लोग कितने फंदे थे तो आपका जितना भी फंदा होगा एक दो फंदा कम होगा तो यहाँ पे शायद अड़तीस अड़तीस फंदे मेरे थे दोनों साइड से एक दो फंदे कम हो ज़्यादा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है उतना फंदे होने के बाद फ्रेंड्स हमने एक साइड अड़तीस रखा है एक साइड अड़तीस रखा है अगर आपका एक दो फंदे किसी पार्ट में ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको घटा लें दो का एक कर दें ठीक है उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमने जब डिवाइड किए फंदे अड़तीस अड़तीस फंदे होने के बाद तब यहाँ पे हमने देखिए कितनी लाइन बनाई है ये हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस लाइन ये हमने बनाई यानी दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के हमने ये बीस रो कंप्लीट किया तो यहाँ पे हमारी दस धारियाँ बन के आई हैं जैसे ये हमारी हैं एक दो तीन ऐसे ही काउंट करेंगे ये हमारी दस है ठीक है फिर इसको दस धारियाँ बनाने के बाद हमने यहाँ पे फंदे को सभी फंदे को बंद कर लिया है ऐसे सॉक्स मैंने आप लोग को दो तीन बार बताया सिर्फ यहाँ पे हमारी ये डिज़ाइन चेंज है ठीक है फिर इधर के साइड भी हमने वही प्रोसेस किया फंदे बंद कर लिया इसलिए मैंने आप लोग को इतना इसके आगे का नहीं बताया क्योंकि इसके आगे का मैंने आप लोग को कई बार बताया है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती इसलिए मैंने इतना ही बताया अब क्या करना है आपने इसकी सिलाई करनी है तो सिलाई आपने नॉर्मल करनी है देखिए इसको हम उल्टा करेंगे जैसे हम सारे सॉक्स की करते हैं वैसे ही करनी है उल्टा करने के बाद फ्रेंड्स हम सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे ठीक है यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है यहाँ से ले जाके हमने यहाँ तक करनी है देखिए यहाँ तक हम करेंगे सिंपल यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक हम आते हैं उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कि ये सिलाई आपने कैसे करनी है देखिए इसका मेजरमेंट क्या है ये अंगूठा बनाने का देखिए ये आपने ऐसे फोल्ड करना है जितनी लंबाई हमारी ये है ना ऐसे आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है ये देखिए जितनी लंबाई हमारी यहाँ पे इतनी है इतना आपने इसको ऐसे छोड़ना है यानी इतनी इतनी हमने सिलाई नहीं करनी है ये देखिए इस साइड भी इस साइड भी इतना छोड़ के बाकी की हमने ऐसे सिलाई कर लेनी है तो चलिए यहाँ से इतना करके दिखाते हैं आप लोग को देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है अब हमने क्या करना है देखिए ध्यान से देखिएगा ये थम और देखिए यहाँ पे हमने थम की सिलाई करनी है दोनों साइड हमने देखिए इसको कैसे करना है देखिए हमने दो अंगुल छोड़े हुए हैं दो से ढाई अंगुल ठीक है अब इसको जैसे हमने बताया था आपने सिर्फ यही करना है कि जितना लंबा ये रहे ये देखिए इतनी हमने ऐसे लंबाई करके छोड़ी है क्योंकि यहीं से हमने इसको देखिए ऐसे अब इसके एक साइड से हम सिलाई करेंगे पहले पहले तो आपने यहाँ पे एकदम अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि यहाँ पे खींचने के बाद फ्रंट जब हम पहनते हैं पैर में तो यहाँ से हमारे पैर से खिंचता है ठीक है तो यहाँ पे आपने दो से तीन नॉट यानी लॉक कर लेना है पक्के से ताकि यहाँ पे हमारा खींचे ना लास्ट में मैं आप लोग को पहन के दिखाऊंगी कि इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आती है अब देखिए ये आपने ऐसे करना है ये देखिए ये आप ऐसे यहाँ से लेके गए और इसको ऐसे तो चलिए अभी हम सिर्फ एक साइड का सिलते हैं इसको अपने सेंटर में करना है ऐसे और यहाँ पे इसकी सिलाई करनी है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा धागा है जो इसी के अंदर हम ऐसे लगा के इसकी उसको बाद में उधर का है तो उसको बाद में स्टिचिंग करेंगे हम ये देखिए हमने इसकी स्टिचिंग इस यहाँ तक कर लेनी है देखिए फ्रेंड्स हमने ये दोनों साइड से सिल लिया एक्स्ट्रा धागा है इसको हम क्रोसिया से यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे बाद में अब चलिए हम इसको सीधा करते हैं और सीधा करने के बाद आप लोग को पहन के दिखाएंगे कि इसका इसकी फिटिंग कैसे आती है <laughs> ये देखिए ये कुछ ऐसे बन के आया है तो इसको हम आप लोग को पहन के दिखाते हैं फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स इसकी फिटिंग कितनी खूबसूरत बन के आई है ये देखिए इसकी ये डिज़ाइन इस साइड रहेगी और एक डिज़ाइन इस साइड और दोनों पैर का सेम एक ही जैसा बनेगा जैसे मैंने आप लोग को बताया है देखिए बैक साइड से ये कुछ ऐसे है और फ्रंट साइड से कुछ ऐसे तो देखिए कितनी खूबसूरत काफ़ी स्ट्रेचबल भी है फ्रेंड्स ये काफ़ी कम्फर्टेबल है इसको चाहे आप सॉक्स को चाहे आप सूज पे पहनिए स्लीपर पे पहनिए रात को पहन के इसको सो भी सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल है तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें नए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू